बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम खवातीन व हज़रात। आज तीसरा दिन हो गया है कि सादुल्ला बलोच साहब मेंबर कौमी असम्बली लापता हैं। पहले उनकी बीवी को, उनकी बेटी को और घर वालों को उठाया गया था खुफिया एजेंसियों ने, यानी मालूम कि कौन सी एजेंसी थी। वो ISI हो सकती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो सकती है, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हो सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हो सकते हैं या फिर स्पेशल ब्रांच के लोग हो सकते हैं। पर जिसने भी उठाया, जिस खुफिया एजेंसी ने उठाया, नहायत ही घटिया हरकत की है, नहायत ही बुजदलाना हरकत की है। और इस वक्त सादुल्ला बलोच साहब को इसलिए उन्होंने अपनी हिरासत में रखा हुआ है कि वो उन पे प्रेशर डाला जाए कि वो वोट काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन के लिए डालें। जनाब सादुल्ला बलोच साहब एक बहादुर शख्स हैं और उन्होंने शुरू से ही कहा है कि मैं किसी सूरत नहीं टूटूंगा, मैं सही सिपाहियों वजीर आजम इमरान खान का। हम लोग सलाम पेश करते हैं सादुल्ला बलोच साहब को और मैं डिमांड करता हूं वैसी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सारी एजेंसियों को, इनके डायरेक्टर जनरल्स को कि फिल्म फॉर आजाद करें सादुल्ला बलोच साहब को। ये पाकिस्तान में अंधेर नकरी का राज खत्म करें। इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों का काम है हमारी बॉर्डर का हिफाजत करना, दहशतगर्दों को पकड़ना, उनका ताकुब करना, ना कि पार्लियामेंट पे रात के अंधेरे में धावा बोलना और मेंबर्स को पकड़ के उनकी तजलील करना। आपने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है पाकिस्तान की जमहूरियत को। इन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुल्क की जड़ें और मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी हैं। अफसोस, मैं कंडेम करता हूं, मुजामत करता हूं ऐसे एक्शंस की। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।